वॉज गुड एवरीवन, आज हमारे पास में आ चुकी है 2021 की मारुति सुजुकी XL6 जेटा वेरिएंट। एंड आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले हमने इस कार का पूरा वॉक अराउंड लिया था जब ये न्यूली लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर। आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। और आज इसको हमारे चैनल पे होने का स्पेशल रीजन है ये LPG किट, तो इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले कार का एक छोटा सा वॉक अराउंड और ओवरव्यू ले लेते हैं। तो XL6 की अगर लेंथ के बारे में बात करें तो ये आती है 4445 mm के साथ में। वेट तो हाइट दोनों सेम देखने को मिलती है 1775 mm की। प्लस इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का कापा सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 102 bhp की पावर अलोंग विद 137 nm ऑफ टॉर्क। एज यू कैन सी इंजन भी काफी ज्यादा खाली पड़ा है, बहुत छोटा सा इंजन है। फेसलिफ्ट की बात करें तो ज्यादा चीजें आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगी इसके अंदर, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज कर दो और पूरी की पूरी गाड़ी 2022 फेसलिफ्ट बन जाती है। इस टाइप की कुछ की आपको देखने को मिलती है। एंड क्योंकि कार के अंदर में कीलेस एंट्री है तो यहाँ पर आपको ये स्विच देखने को मिलेगा। अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर टोटल ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा शोरूम से ही ऐसा आया है। यहाँ पर आपको थोड़े से मार्बल ट्रिम्स देखने को मिल जाते हैं अलोंग विद सैटिन सिल्वर की फिनिश में। यहाँ पर सारे स्विचेस वगैरह दे रखे हैं अलोंग विद क्रोम। स्पीकर सेटअप की बात करें तो चारों डोर में एक एक स्पीकर, यानी चार स्पीकर, और फ्रंट वाले में दो ट्विटर्स 4x2। स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको डी कट स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। बहुत ही बेसिक सिंपल सोबर इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आ जाता है 7 inches का डिस्प्ले जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक सा एनालॉग अलोंग विद MID देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट नेक्सा की सारी गाड़ियों में इसी टाइप का आता है। सेंट्रल कंसोल भी काफी ज्यादा स्पेशियस है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आर्मरेस्ट। ग्लव कंपार्टमेंट में भी अच्छी खासी स्पेस। यहीं से आ जाते हैं पीछे की साइड तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कैप्टन सीट्स। क्योंकि एक प्रीमियम कार है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम फील यहाँ से भी आना चाहिए, तो इस टाइप से आगे हो जाती है सीट। और यहाँ से आप जा सकते हो थर्ड रो में, जो कि आती है 50-50 स्प्लिट सीट के साथ में। और लगे आ तो बैठ के भी देख ही लेते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो लेगरूम भी ठीक ठाक है और कंफर्ट काफी देखने को मिल रहा है। इसी वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि सेकंड और थर्ड दोनों रोज को हवा देंगे। प्लस यहाँ पे आर्मरेस्ट टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है विद कप होल्डर एंड USB सिगरेट सॉकेट। टायर्स की बात करें तो 185/65 R15 ये 15 inches के एलॉयज आते हैं। और ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एर्टिगा जो है वो एग्जैक्ट इसी का एकदम सिंपल सा मॉडल आता है, बट इसको थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पे रखा गया है। एज यू कैन सी साइड लाइटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। कार आती है 4 पार्किंग सेंसर के साथ में। फ्रंट का लुक भी काफी ज्यादा रगेड है। तो हमारे साथ है सुनील भैया, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे सीनियर भी हैं। तो हेलो। तो इन्होंने अभी अभी अपनी गाड़ी में लगवाया है LPG किट। तो मैं जनता के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि LPG किट लगाने के बाद में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिली है XL6 BS6 मॉडल में। गाड़ी का पावर अगर देखें तो पावर में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा निकालती है। ये 71 रुपए में 16 किलोमीटर चलती है। अगर 71 एक किलो गैस आती है करीब करीब, तो आप ये चीज दे सकते हैं इसमें। अगर आप हमारा लंबा टूर बहुत होता है इसलिए हमने LPG में कराना सही समझा। तो वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें ऑलरेडी कंपनी जो है वो CNG फिट करके दे रही थी, तो आप LPG पे क्यों शिफ्ट हुए? CNG के फिलिंग स्टेशन हमारे गांव में या फिर अपन जोधपुर में लोकल में आसपास बहुत कम है। LPG ज्यादा सही लगा इसलिए हमने LPG किट कराया, और LPG किट उसकी हाफ रेट में लग जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिकल वाली सिचुएशन हो गई थी कि LPG किट लग भी सस्ता रहा था और थोड़ी सी वैल्यू भी उसकी ज्यादा थी जोधपुर के अंदर में, और गैस हर जगह ऑल ओवर इंडिया हमको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। एक बार चल के अपन बूट भी देख लेते हैं। तो वैसे तो XL6 का जो बूट स्पेस आता है वो होता है 209 लीटर का, और यहाँ पर LPG का टैंक रखने के बाद तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जगह तो नहीं बची है पर हम एडजस्ट कर लेते हैं, इतना कोई नहीं होता कि जगह का इशू आता है। okay. कि अब शेर पाला तो खर्चा तो कर ही सकते हैं। ये भी सही है। तो ये वाला जो टैंक है ये कितने लीटर्स का है? 42 kg इसमें गैस आती है और ये अराउंड 50 kg का पूरा टैंक है। और इस टैंक की अगर मैं बात करूँ कि एक बार अगर अपन इसको फुल करवा दे कितना चल जाती एक है? एक बार इस टैंक को अगर फुल करा दे तो ये अराउंड 800 किलोमीटर चलती है। 70-75 रुपए के अंदर में ये चल जाती है 16 किलोमीटर और पेट्रोल के अंदर जो जिसका भाव अभी चल रहा है 110 के आसपास।
उसकी बात करें तो ये अराउंड 11 किलोमीटर चलती है पेट्रोल। तो ये तो काफी मतलब फायदे का सौदा हो गया। और साथ ही में भैया ने यहाँ पर मशीन भी रखी है जिससे एलपीजी टैंक आप घर पे लाकर खुद ही भर सकते हो। तो इसका क्या रिव्यू देना चाहोगे आप, मतलब लेना वर्थ है या नहीं है? बिल्कुल ये लेना वर्थ है क्योंकि हमारा रनिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और प्रोडक्ट भी सस्ता है और गाड़ी की बैटरी से आप अटैच करके इसके अंदर एक गैस की टंकी आप आराम से भर सकते हो। अगर एक बार समझ आने के बाद में एक बच्चा भी आराम से इसको भर सकता है। इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करने के लिए दो सिंपल तरीके होने चाहिए, थोड़ी सी समझ और दूसरी बात इसको लगाने की टेक्निक। तो वैसे तो आपको मैनुअल ही लेना था, तो जैसा मुझे पता है कि मैनुअल के अंदर में अपने सिर्फ दो ही मॉडल आते हैं, एक बेस और एक टॉप। तो ये वाला कौन सा मॉडल है? ये बेस वेरिएंट है जिसके अंदर में आपने टॉप वाली थोड़े बहुत फीचर्स करवा रखे हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं था, पर कॉस्टिंग की बात करें तो 80,000 रुपए महंगी थी, ये गाड़ी 80,000 रुपए सस्ती है। और जो फीचर्स आपने एक्स्ट्रा डलवाए हैं उसके कितने चार्जेस लग गए? उसके 0 रुपए मुझे देने पड़े थे। ओके, मतलब डिस्काउंट वाली चीज हो गई। बिल्कुल। और साथ ही अगर मैं एक और चीज पूछूं तो अभी कुछ 2 महीने पहले ही XL6 का 2022 वेरिएंट फेसलिफ्ट आया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको पछतावा है या नहीं है कि मैंने ये ले ली और वो रह गई? बिल्कुल मुझे पछतावा नहीं है क्योंकि उस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि जिससे कि अपने को पछतावा करने को मिले। आदमी तो वही रख दिया पर उसके कपड़े नए पहना दिए, वही वाली बात है। बिल्कुल सही कहा, मतलब इसकी टेल लाइट अगर अपन स्मोक करवा दें या चेंज करवा दें और फ्रंट की ग्रिल अगर अपन चेंज करवा दें तो पूरी के पूरी गाड़ी एकदम फेसलिफ्ट वाली चीज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, पर जो चीज कंपनी से ओरिजिनल आई है आप उसको ना छेड़ाएं, आपकी गाड़ी यूं ही बहुत अच्छी दिखेगी। और जिन एक्स्ट्रा फीचर्स की हम बात कर रहे थे उनमें से एक है ये वाला कैमरा जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा में लगवाया और अंदर इसके सीट कवर्स। तो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कैप्टन सीट्स क्यों चूज करी? पहले प्रायोरिटी थी हमारी कि गाड़ी में कंफर्ट पूरा होना चाहिए, अगर हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो कंफर्ट हमेशा जरूरी होता है। तो आप जितना बता रहे कि आपकी लॉन्ग ट्रिप्स होती है, तो 1 महीने में ये वाली गाड़ी कितना चल जाती है ऐसे देखा जाए तो? अराउंड 1,000 से 1,500 किलोमीटर गाड़ी चलती है। और एलपीजी करवाने के बाद में आप इसको कितना चला चुके हैं टोटल? एलपीजी कन्वर्ट कराने के बाद में हमने करीब करीब इसको 3,500 किलोमीटर रन किया। तो मतलब आपको अभी तक काफी अच्छी नॉलेज और जानकारी हो गई होगी कि एलपीजी में गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। गाड़ी का पावर जो है वो दबता ही है, पर कोई नहीं, चीज अच्छी है क्योंकि हमको एवरेज काफी अच्छा मिल रहा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और सीएनजी और डीजल वाइज। और जैसा कि आपने बताया था कि एक बार एलपीजी कन्वर्ट करने के बाद में आपको गाड़ी का पेट्रोल माइलेज कभी नहीं मिलने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पेट्रोल माइलेज तो ऐसा कोई दुख की बात नहीं है कि क्योंकि जब आप लंबे ट्रिप करते हो तब आपकी गाड़ी चलती है, तब आपको पेट्रोल और एलपीजी में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। इसलिए एलपीजी किट सही भी है, पर इंजन के साथ छेड़छाड़ करना भी गलत बात है। वो अगर आपकी शॉर्ट ट्रिप हो, आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है, तो आपको गाड़ी पेट्रोल ही रखनी चाहिए। तो गाइस ये है अपना इंजन भी और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एलपीजी किट। तो सुनील भैया, ये जो किट आपने लगवाया इसकी आपको कॉस्टिंग क्या पड़ गई गाड़ी लेने के बाद में? ये किट मैंने 22,000 रुपए में लगवाया था। okay. और ये किट अगर मैं सीएनजी का लगवाता हूँ तो करीब करीब मुझे 65,000 रुपए देने पड़ते थे, मतलब ऑलमोस्ट 3 times वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, जो सीएनजी किट होता है उसको अपन एलपीजी करवा सकते हैं, पर जो एलपीजी किट होता है उसको अपन सीएनजी किट नहीं करवा सकते। तो चलो इसी के साथ में एक और मैं फाइनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अब आपने जो एलपीजी किट लगवा लिया, ये तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपने लगवाया है, इन फ्यूचर आपका मन करता है कि नहीं यार मुझे एलपीजी अब नहीं सुहा रही है, मुझे पेट्रोल वापस चाहिए, तो क्या गाड़ी का परफॉर्मेंस एग्जैक्ट पेट्रोल वाला होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गाड़ी एलपीजी में चल चुकी है, तो आपको पुराने वाला परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, पर गाड़ी चल जाएगी, आपका एवरेज जो है वो भी रिकवर नहीं होगा पेट्रोल में, जो बिफोर पेट्रोल था और आफ्टर पेट्रोल रहेगा तो चीज तो मतलब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो एलपीजी किट लगाने के बाद में गाड़ी का जो इंजन है वो एग्जैक्ट पेट्रोल वाला तो परफॉर्मेंस नहीं देगा, थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं देगा, थोड़ा सा माइलेज में भी ड्रॉप आएगा और परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप आएगा, इवन आप एलपीजी किट हटा दो तो भी। बिल्कुल। तो भैया साथ में मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि मतलब आपने एलपीजी लेने के बाद में इसको पेट्रोल में कितना ही चलाया होगा? पेट्रोल में करीब करीब हमने 500 किलोमीटर पेट्रोल में चलाया है, क्योंकि पेट्रोल में चलाना गाड़ी के लिए जरूरी भी है, आप पूरा एक साथ गैस में नहीं चला सकते हो। ओके। गाड़ी को पेट्रोल की उतनी जरूरत होती है जितनी की उसको गैस की जरूरत है, तो कभी कभार पेट्रोल में भी चलाना चाहिए। अगर आप 500 किलोमीटर गैस के निकाले हो तो आपको 100 किलोमीटर पेट्रोल में निकालने ही चाहिए। तो आप आगे लोगों को रिकमेंड करते हो या नहीं एलपीजी किट्स?
रिकमेंड मैं बिल्कुल कम करूंगा, क्योंकि अगर किसी का रन महीने मंथली के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बहुत घूमती है, तो उनके लिए एलपीजी रिक्वायरमेंट है। और वही चीज़ हमारे साथ ही, क्योंकि हमारा रन बहुत होता था इसलिए हमने एलपीजी कराई। और कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑल्सो ये अपन ने जो यहाँ पर छेड़छाड़ की है, जिसकी बात अपन कर रहे हैं, तो इसमें वारंटी वगैरह का क्या सीन रहता है? इसमें कंपनी की वारंटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और आपका जो गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह वो भी एक तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर आपके आरसी और इंश्योरेंस में अगर एलपीजी अपडेट नहीं हुआ तो आपका इंश्योरेंस क्लेम भी खत्म है और आपकी आरसी है वो भी खत्म है एक तरीके से। और पुलिस वाले ने अगर आपको रोक लिया तो आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। अगर आरसी में आपके नहीं लिखा हुआ तो ये गाड़ी पूरी की पूरी जब्त हो जाती है। बिल्कुल। और एक और चीज, आपने मुझे इंसिडेंट बताया था कि कंपनी वाले ने गाड़ी वॉश करने से ही मना कर दिया था, वो क्या वाक्य था? वो ये चीज थी, कंपनी वाले ने गाड़ी का इंजन वॉश करने से मना कर दिया, क्योंकि गाड़ी एलपीजी थी तो कंपनी के स्टाफ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ नहीं लेना चाहते, वो खाली बाहर से और उसका इंटीरियर उन्होंने क्लीन कर दिया। ऑल्सो भैया, एक जो रीसेल वैल्यू वाली चीज हो जाती है, उसको क्या इफेक्ट पड़ता है एलपीजी के बाद में? एलपीजी पे गाड़ी पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर इसको गाड़ी को 6 या 7 साल बाद में बेचता हूँ मार्केट में, तो इसकी पेट्रोल में तो आराम से 6 लाख 6.5 लाख वैल्यू मेरे को मिल जाती है। अब क्योंकि मैंने गाड़ी एलपीजी करा ली है तो आप 2 लाख का ड्रॉप आराम से मानी ही मानिए। ओके, तो ये गाड़ी अपने को वैसे ऑन रोड पड़ी कितने में थी? ये गाड़ी मेरे को 11,50,000 में ऑन रोड गाड़ी पड़ी थी, बेचना बिल्कुल भी नहीं था। और गाड़ी हमने इसी के हिसाब से ली थी ताकि हम इसको आगे गैस में कन्वर्ट करा सके, क्योंकि हमारे लॉन्ग ट्रिप्स की वजह से। ओके, तो आपके पास वैसे एक परफॉर्मेंस इनेबल्ड कार ऑलरेडी है दूसरी वाली, तो आपको एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, जो थोड़ा सा लॉन्ग रूट्स पे भी चल सके, ऐसी गाड़ी चाहिए थी। बिल्कुल, एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी। और दूसरी बात है, कंफर्ट गाड़ी का मेन होना चाहिए, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कम पैसे में काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें अपन को मिल चुकी है। यस। और जितना मुझे पता है कि मार्केट में इसको मिनी इनोवा कहते हैं। बिल्कुल, इसको मार्केट में मिनी इनोवा कहते हैं। एक्चुअली हमारे मिलने वाले काफ़ी लोग हैं जिनके पास इनोवा नई वाली क्रिस्टा है, उन्होंने भी गाड़ी का कम्फर्ट देखते हुए गाड़ी की बहुत तारीफ की है, इंटीरियर के हिसाब से कि गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक अगर शॉर्ट में कहें तो वैल्यू फॉर मनी। बिल्कुल, जो जिस आदमी को इनोवा गाड़ी पसंद है उसको ये गाड़ी पसंद आएगी ही आएगी। सो गाइस, ये अपनी 2021 की मारुति सुजुकी XL6 ऑलमोस्ट टॉप मॉडल इसको अपन कह सकते हैं, सारे के सारे लोडेड फीचर्स के साथ में कार आती है। प्लस एलपीजी किट लगवाने के बाद में तो सोने पे सुहागा हो चुकी है। बट क्योंकि एलपीजी किट के अपने फायदे और अपने नुकसान, और आपको ये सारी के सारी चीजें आज के वीडियो में देखने को मिल गई है, तो अब जो फाइनल डिसीजन है वो आप ही लोगों के ऊपर है। सो थैंक यू सो मच सुनील भैया अपना बहुत ही कीमती टाइम देने के लिए, इस गाड़ी को लाने के लिए। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आल्सो इन द नेक्स्ट वन।